एकम टीवी नाल जुड़े सारे दर्शकों का स्वागत है। देश दुनिया दे खबरां लैके हाजिर हाँ ऋषि सिंह राही झात मारदे हां। पहली खबर ते अमरीका च करोना वायरस का कहर लगातार वधदा ही जा रहा है। दुनिया के सब तो ताकतवर देश के 20 तो ज़्यादा सूबे च महामारी तेजी नाल फैल रही है। इसी का नतीजा है कि देश भर च इनफेक्टेड लोगों की गिनती 50,90,000 तो ज़्यादा हो गई है। इन्हां चों 1,64,000 तो ज़्यादा पीड़ित दम तोड़ चुके हैं। इधर न्यूयॉर्क सूबे च इन्फेक्शन च गिरावट आने ते स्कूलों फिर तो खोले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये सूबा अमरीका च एक समय महामारी का केंद्र बन गया सी। इत्थे हुण तक करीब 4.5 लाख मामले पाए गए ने। समाचार एजेंसी राइटर मुताबक अमरीका च महामारी का इस कदर कह रहा है कि बीते 9 दिनों च 10,000 तो ज़्यादा मरीजों की मौत हो गई है, जबकि कैलिफोर्निया, टैक्सस और फ्लोरिडा महामारी के नवे केंद्र बन गए ने। कैलिफोर्निया च 5.5 लाख से फ्लोरिडा च 5,18,000 इनफेक्टेड हैं। टैक्सस भी इनफेक्टेड लोगों की गिनती 5 लाख तो पार होने वाली है। इन्हां सूबों समेत अमरीका के 20 तो ज़्यादा सूबों च नवे मामलों च तेजी देखी जा रही है। इस स्थिति के बावजूद अमरीकी नागरिक ते सियासतदान स्कूलों नूं खोलण, टैसटिंग कारोबारों नूं बंद करन ते मास्क पाउण दा आदेश देण वर्गे मसलियां ते वंडे होए ने। सेहत मारां दा कहना है कि चुने गए नेतावां नूं इस संकट का हल करन दी लोड़ है। इस विचाले न्यूयॉर्क सूबे के गवर्नर का कहना है कि शुक्रवार को स्कूलों को सख्त हदायतों मुताबिक खोलिया जा सकता है। जहरीली शराब के मुद्दे से अकाली दल ने हुण अपने तीर पंजाब सरकार वल सीधा कांग्रेस हाईकमान वल खिंच लए ने। दरअसल अकाली लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया ने कांग्रेस हाईकमान से बड़े इल्जाम मढ़े ने। मजीठिया का कहना है कि पंजाब च जहरीली शराब की काली कमाई का पैसा कांग्रेस हाईकमान तक जा रहा है, इसलिए ही सोनिया गांधी चुप है। मजीठिया का कहना है कि सोनिया गांधी को डर है कि जेकर कैप्टन नूं कुछ पुछया तां उन्हां दा नां जनतक कर देणगे। अमृतसर च मजीठिया ने कहा कि सरकार की नलायकी कारण 121 लोगों की जान चली गई। उन्होंने मांग की कि जदों तक हाईकोर्ट की निगरानी च जां CBI की निरपक्ष जांच नहीं हुंदी उदों तक अकाली दल का अंदोलन जारी रहेगा। पंजाब च जहरीली शराब नाल होण वालियां मौतां तों बाद सूबे च कैप्टन सरकार एक बार मुड़ घिर गई है। अकाली दल इस समय दा खूब लाहा लै रहा है, लगातार कांग्रेस खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं उन्हां दीआं गल्लां याद कराउणा चाहुंदा कि गुटका साहब तुसीं हथ च फड़ के सौ खाधी सी, इह तुहाडा वायदा सी कि जे थानेदार दे इलाके थल्ले इह जिहा कम वापरूगा ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ DSP ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਦੋਗੇ। ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ, ਕੈਪਟਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਜਾਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੁਕੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੀ ਅਫੈਕਟਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਮਗਰ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜੋਏ ਰਾਈਡ ਲਈ ਆਏ, ਔਰ ਜੋਏ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜੋਏ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਕਮ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਜੋ ਹਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਰੋਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, AC ਛੱਡੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈ ਫਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜੋਏ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਰਟਲੈਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਪਣਾਇਆ? ਇਸ ਲਈ
ये सारे मुद्दे की निरपक्ष जांच हाई कोर्ट सीबीआई करे ता सच सामने आऊगा, नहीं तो सारा जेड़ा कवर अप ऑपरेशन चल रहा है। और जेड़ा एसएसपी ध्रुव दहिया महारथी जिदे इलाके थले 121 डेथा हुई ने, उन्होंने तो चक्के तुसी रिवार्ड करता, रिवार्ड इस गल का, ही इज ही नॉट रिस्पोंसिबल, वॉज ही स्लीपिंग, डिड ही नॉट नो कि थले की चल रहा, उन्होंने जो शिकायत भी जा रही ने, ही इज नॉट एक्टिंग, ओदी जोड़ी कॉम्प्लिसिटी है इस केस च मिली भुगत है, दैट ऑलसो नीड्स टू बी इनवैसटीगेटेड एंड ही नीड्स टू बी सस्पेंडेड। बीते दिन मैंबर पार्लीमेंट रवनीत बिट्टू के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे लोक इंसाफ पार्टी के आगू सनी कैंथ और उसके समर्थकों से कांग्रसियों वालों हमला करने का मामला लगातार भखता जा रहा है। पुलिस वालों इस मामले से फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। बलविंदर सिंह मैस वालों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस प्रशासन और कांग्रेस से सवाल खड़े किए गए। बलविंदर मैस का कहना है कि सनी की पग जानबूझ के उतारी गई है, उसनों जाति सूचक शब्द बोले गए हैं, जिस संबंधी FIR च किते भी कोई जिक्र नहीं किया गया। बलविंदर सिंह बैंस का कहना है कि लोकतंत्र का बीते दिन ही कांड किया गया, पर उन्होंने उम्मीद सी कि उन्होंने पुलिस वालों इंसाफ मिलेगा, पर अजिहा नहीं वेखण नूं मिल रहा है। बैंस का कहना है कि पुलिस वालों ये साजिश कांग्रसियों नाल मिलकर रखी गई है ताँ जो सनी ते हमला किया जा सके। बैंस का कहना है कि कांग्रसी वर्करां वालों जानबूझ के सनी की पग नूं हत्थ पाया गया। उन्होंने कहा कि पग की बेअदबी की गई है, इस तो अलावा वह जाति सूचक शब्द भी बोले गए हैं, पर पुलिस वालों इस बारे FIR च ना तो कोई कारण ना ही कोई जिक्र किया गया। बैंस ने अगे बोलदा कहा कि वह इस घटना तो हताश हुए ने, उन्हें कहा कि मीडिया वालों कवरेज की गई, पुलिस ने उसनों भी अखों परोखे कर दिता है, पर उत्थे की होया उत्थे तुहाडे सारयां दी हाजरी च मीडिया की हाजरी च पुलिस जिन्हें कहा आ जाओ थोड़ा मेमोरेंडम दवा दिए, वह मूक दर्शक बन गई और मूक दर्शक बन के उत्थे साढ़े कोल ऐसे ऐसे फोटोग्राफ है जिन्हां फोटोग्राफ दे विच सनी कैंथ अपनी दस्तार बचा रहा, एक तो होंगे ना लड़ाई चर्चन चेत लै गई, ये अपनी दस्तार नूं बचा रहा, तो जिहड़े लाउण वाले सज्जण है वह सिर्फ तो सिर्फ टारगेट की आ कि पग लाउणी है। बदकिस्मती मैं समझदा कि मेरे शहर की लोकतंत्र का कतल होया, और उस तो बाद असी पुलिस नूं कंप्लेंट दित्ती, और कंप्लेंट दित्ती तकरीबन 4 बजे, तो जाके FIR क्रॉस की। पहला उन्होंने बयान किन्ने बजे लिखा ये देखियो, रात को 9 बजे, तो साढ़े वाला क्रॉस कितने जाके किया रात को 10 बजे। मैं पुलिस को बेनती करना चाहता कमिश्नर साहब को कि कमिश्नर साहब ये सिस्टम कदाचित परवान नहीं, जे तुसी इस तरह करोगे तो राजनीतिक लोग जिहड़े विरोधी धिर हुंदी है लोगों को इंसाफ लैके देण लई हुंदी है, ए बयान च कुछ होर लिखा जेडे तो बंदे सी 5 उन्होंने 188 लाती भी इन्हों मास्क नहीं सी पाया होया, जेडे बंदे सी 300 उन्होंने केवल कोई मास्क की धारा नहीं कुछ नहीं लाया, यदी दस्तार लाई गई धारा नहीं लाई। इत बस नहीं जी जाति है, मेरे गुरु साहब कहते कि ऊंच नीच का फर्क मेरे पातशाह नीच जात वाले नूं वड्याई दे के गए है, मेरे पातशाह का पावन वचन है कि नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच नानक तिन के संग साथ वड्या स्यों क्या रीस, यदि जाति सूचक कह के इनू गालां कढ़िया, यदि बेइज्जती की दस्तार लाई दस्तार की बेअदबी की। और मैं कमिश्नर साहब नूं कहना चाहुंदा कि कमिश्नर साहब जाति सूचक धारा और दस्तार लाने की 295A साढ़े कोल फोटोग्राफ है जिहड़े मैं जे तुसीं हुक्म करो तो दिखा सकदा, जिहदे च अपनी दस्तार बचा रहा कित्थे काका फोटो आ देखियो आ सनी कैथ अपनी दस्तार बचा रहा, और जिहड़े आसे पासे खड़े है 1, 2, 3, 4 हथ कित्थे पाया होया केवल दस्तार नूं, हलो सारे जने करदा केवल ते केवल टारगेट की है दस्तार। श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक दे प्रधान सुखदेव सिंह ढींडसा अज लुधियाणा पहुंचे जिथे उन्होंने पार्टी के विस्तार लई विचार वटांदरा कीता ते नवीं नियुक्तियां कीतियां।
इस दौरान सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा कि शराब मामले च इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट या फिर CBI तो हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों हेठ जांच करवानी चाहिए है। इस दौरान उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू कते कांग्रेस विचकार चल रहे खाना जंगी से भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। सुखदेव सिंह ढींडसा का कहना है कि शराब मामले CBI या इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट तो जांच करवानी चाहिए है। उन्होंने कहा कि एक बड़े लीडर या अफसरशाही की शमूलियत हो सकती है क्योंकि उन्होंने शह तो बिना यह गोर धंधा नहीं चल सकता। ढींडसा का कहना है कि कांग्रेस तो सारे विधायक दुखी ने, सिर्फ पार्टी अगे बोलते हैं पर भाजपा के दूलों ने अपने विचार सारे अगे रख दिते ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी का अपना मसला वो तो नहीं बोल सकते। नवजोत सिंह सिद्धू मसले पर ढींडसा ने बोलदिया कहा कि उन्होंने अपनी निजी राय है, वो किस पार्टी से जाना चाहते हैं। सुखदेव सिंह ढींडसा का कहना है कि उन्होंने पार्टी नवजोत सिद्धू को सद्दा दे चुकी है, जेकर वो पार्टी शामिल होना चाहते हैं तो जी सद के आ सकते हैं। साड़ी तो असं अपनी पार्टी वालों पांच बंदों का डेपुटेशन गवर्नर साहब को मिले, वो भी असं यही मांग की है कि जी जांच है ED ते CBI करे अंदर दी सुपरविजन ऑफ दी हाई कोर्ट। देखो इनक्वायरी तो पता लगू, देखो बड़े बंद तो बिना मैं तो नहीं कहता कोई मंत्री या कोई हो क्योंकि जिन्हें कोई साबित ना हो, लेकिन बड़े बंद तो बिना इस तरह के कोई काम कर नहीं सकता। उन्होंने कोई ना कोई शह अफसरशाही दी पोलिटिकल बंद कोई ना कोई शह तो है ही। देखो है तो उन्होंने इंटरनल मसला हो, लेकिन डेमोक्रेसी पहला पार्टी से सवाल उठाना, जो पार्टी से ना वो कोई गल बने फिर पब्लिक तो उठाना, फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक हिस्सा है। तो बाकी उन्होंने अपने पार्टी का की एक्शन करते हैं कि नहीं, वो तो असं तो दखल नहीं दे सकते कुछ। एक कांग्रेस पार्टी तो दुखी भी जिमें सारी ने, वो तो कल गल करके देखो MLA नाल गल कर लो, किसी नाल कर लो, वजीर नाल भी गल कर लो, तो दुखी तो सारी ने। नहीं साड़ी अप्रोच उन्होंने क्या भी सा सबू वेलकम करते हैं, उन्होंने सिद्धू साहब भी ने। रणनीति पहला ही है साड़ी कि पार्टी स्ट्रोंग करना। अज जिमें साहब सुरिंदर सिंह रियाज साहब साढ़े नाल अज शामिल होए ने, असी बहुत बड़े बड़े परिवार नाल संबंधित ने, इन्होंने पहला इलेक्शन आप ही लड़िया ने और ये साढ़े नाल अज जुड़े ने। इस तरह रोज़ साढ़े नाल जुड़े ने, इन्होंने इन्हों का धन्यवाद करना है, इन्हों जी आए कहना है, तो इन्हों विश्वास दवाना है भी इन्हों की मान इज्जत पूरी तरह पार्टी रहेगी और कोई इन्हों कमी नहीं आने देना। अमृतसर के हलका बाबा बकाला च एक नवजोता वालों जहरीली चीज़ निकल ली गई जिस कारण उसकी मौत हो गई। जानकारी अनुसार अमनदीप कौर पुत्री लखविंदर सिंह वासी वडाला कलां का विआह 3 साल पहला शमशेर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह वासी बाबा बकाला नाल होया सी। मृतक लड़की के परिवारक मैंबर अनुसार सहुरे परिवार वाले लड़की नूं अक्सर दाज घट लिआउण ते ताने मिणे मारदे सन अते कथित तौर पर कुटमार भी करदे सन, जिस तों तंग परेशान हो के अमनदीप कौर ने बीते कल कोई जहरीली चीज़ निकल ली ते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस चौकी इंचार्ज विक्टर सिंह ने लाश नूं कब्जे च लैके सिविल हस्पताल बाबा बकाला च पोस्टमार्टम लई भिजवा दिता है। पुलिस ने मुलजम पति शमशेर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह, सस गुरदेव कौर पत्नी कुलवंत सिंह ते दराणी राजविंदर कौर पत्नी बलशेर सिंह खिलाफ़ 306/34 IPC तहत केस दर्ज करके मृतक के पति शमशेर सिंह गिरफ़्तार कर लिया, तो बाकी मुलजमान की भाल शुरू की गई है। हाँ जी जी, कुड़ी का सहुरा परिवार है, अमनदीप कौर का सहुरा परिवार कुड़ी जी ने बहुत तंग करते, दाज तो भी कई बार तंग करते कि दाज लैके आ साढ़े को जो सरदा बनता अभी दिता उन्होंने दाज तो अक्सर परेशान करते कि दाज लैके आ, तो उन्होंने ज़्यादा घर च भी एक कहें सारा काम भी तेरे तो लैना, कभी उन्होंने किसी गलों झिड़कते कभी किसी गलों लड़ाई झगड़ा चलता से, इन्हों का ज़्यादातर दाज तो ही परेशान करते रहे। तो उन्होंने जेडे मेरे जीजा जी ने उन्होंने उन्हें दराणी के नाल नजायज़ संबंध से, जिदा करके उन्होंने मेरी सिस्टर कहते होंगे कि कोई भी लड़ाई झगड़ा होना तो इन्हों तो माफ़ी मांग, कोई भी लड़ाई झगड़ा होना इन्हों नीचा दिखाते रहते। सर कोई 2.5 साल हो बच्चा नहीं जी, कोई प्रशासन तो यही मांग करते हैं जी, जो साड़ी कुड़ी नाल इन्होंने गलत किया वह सानू इंसाफ मिले। पिछले 3 दिन तो अं सर खज्जल खराब हो रहे हैं, परसों की सिस्टर मेरी की मौत डैथ हुई आ, अजे तक एक बंदा चुकया गया, अज 3 दिन बाद पोस्टमार्टम हो रहा। हाँ जी जी, ये नहीं जी पता सानू का खुद कह रहे हैं जी, इन्होंने जोड़े सहुरा परिवार वो कहें जी दवाई खा ली है जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगी किस तरह मौत हुई, क्योंकि सानू तो इतों एक तो दस्या बहुत लेट आ,
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੌੜ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ 306/34 IPC ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਸਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭਰਜਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।